ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णु उत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग आयोग क्या कह रहा है सितंबर के अंतिम भाग में। सितंबर का जो है अब समाप्ति की तरफ है और सितंबर के ग्रह योग जो दिखा रहे थे वो हमने आपको समय समय पर बताए, तो सितंबर का अंतिम भाग जो ग्रहों का योग आयोग लेकर आ रहा है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और ऐसे में मिथुन राशि के बुध महाराज जो हैं वो राशि परिवर्तन कर का योग बना रहे हैं और लेकिन अस्त चल रहे हैं, ये समझने वाली बात है। बुध जब अस्त हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा विघ्न उपस्थित करने के योग बनाते हैं, लेकिन उच्च के होने जा रहे हैं बुध, आधे दोष हर लेते हैं। कोई ग्रह उच्च का होता है ना तो कहा जाता है आगे आधे से ज़्यादा दोष उसके समाप्त हो जाते हैं। केतु के साथ विराजमान है, ये बहुत सुंदर योग बन रहा है, लेकिन साथ में सूर्य भी विद्यमान है, सूर्य के कारण से अस्त हो गए हैं और साथ में मंगल की दृष्टि, लग्न में बैठे हुए मंगल की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि इन ग्रहों पर पड़ रही है और यही योग चलते चलते आगे जो है इस मास के समाप्त होते ही चतुर्ग्रही योग में परिवर्तित हो जाएगा। मंगल की दृष्टि उन पर पड़ती रहेगी और दो ग्रहण के बीच में योग बन रहा है। एक ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ चुका है, सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, तो विश्व में ये जो योग है ये अनहोनी का योग दिखाता है। कुछ ना कुछ स्थिति विकट होने के योग आने वाले स्थिति में आपको दिखाई देंगे और ये पूरे विश्व को परेशान करने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपको श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध के दौरान भी विशेष तौर पर हम सबको अपने पितृ ऋणों से निवृत्ति करने का बहुत सारे कार्य शास्त्र में वर्णित हैं। उसमें दिक्कत ये भी आती है कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध है, कब करना चाहिए, वो सारी बातें हम इस वीडियो में आपके माध्यम से उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो योग बन रहे हैं ग्रहों के आपके लिए किस प्रकार के रहेंगे, देखिए मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध महाराज इन दिनों परिवर्तन करके जिस प्रकार का योग बनाएंगे उसका प्रभाव क्या होगा ग्रहण वाले ग्रहों के साथ में ही, उसी में उठापटक के योग हैं। और आपके यदि हम बात करें चतुर्थ और दशम में ये उठापटक के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके समझें इसमें क्या क्या कुछ होने के योग हैं, किस प्रकार से स्थिति बनेगी आपकी। 21 सितंबर शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है, आश्विन मास की चतुर्थी कृष्ण पक्ष की रहेगी और चतुर्थी का श्राद्ध श्रेष्ठ रूप से करना चाहिए इस दिन, विशेष तौर पर शुद्ध रूप से विद्यमान है। मध्यान्ह काल में शास्त्र में वर्णित है कि पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाना चाहिए, तर्पण किया जाना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, गऊ के निमित्त ग्रास निकालना चाहिए, श्वान के निमित्त, काक के निमित्त चींटी पिपलादि के निमित्त कुछ भोजन भोज्य पदार्थ डालने चाहिए, भिक्षुक को अवश्य भोजन कराना चाहिए, भोजन का दान करना चाहिए। इससे पितरों के निमित्त ऋण निवृत्ति के सुंदर योग बन जाते हैं। हो सके तो गायत्री यज्ञ भी करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें शास्त्र में वर्णित हैं और इन्हीं से पितृ निवृत्ति होती है। सबसे श्रेष्ठ तो तर्पण है, अवश्य थोड़े से हाथ में तिल लेकर थोड़े जल लेकर अपने पितरों के निमित्त तर्पयता हम तस्य सुधा जो भी पितृ हैं अवश्य उनका नाम, स्त्री है तो तस्यई, पुरुष है तो तस्मई सुधा। सुधा नाम की देवी का प्रादुर्भाव ही महाराज भगवान ब्रह्मा ने इसीलिए किया कि जो हम तर्पण इत्यादि करते हैं उन हमारे पितरों तक वो जल पहुंचा सकें वो भगवती, तो अवश्य ये कार्य करते हुए ब्राह्मण से शुद्ध रूप से करवाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पूरी विधि शास्त्र में वर्णित है, आप कर सकते हैं उसको सुंदर रूप से जानकर, तो अवश्य करिएगा। ग्रह नक्षत्रों का योग समझ लीजिए क्या कह रहा है 21 तारीख के दिन। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से जो बन रहे हैं वो विशेष तौर पे अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, लाभ के योग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपने को लाभ लेने के लिए संत महात्माओं की जितनी सेवा करोगे ना उतना मेवा प्राप्ति करने के योग बन सकते हैं आपकी राशि के अनुसार से। यदि 22 तारीख की हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, कुछ अच्छा कुछ खराब दिन, यानी स्थिति ऐसी है कि बृहस्पति के साथ चंद्रमा 12वें भाव में विराजमान हो गए हैं। जो गजकेसरी योग तो निर्माण हो रहा है लेकिन ऐसी जगह निर्माण हो रहा है कि जो साथ साथ कुछ जुर्माना भी करा सकता है, तो यानी जो स्थिति है थोड़ी सी डामाडोल दिखाई देती है। घर फूक तमाशा मत देखिएगा, बहुत सुंदर तरह शांति से चलने का प्रयास कीजिए, जल्दबाजी में कोई कार्य करना, मंगल आपके लग्न में चल रहे हैं बहुत जल्दबाजी कराते हैं, बिल्कुल अदम्य उत्साह के साथ ओवर बहुत ज़्यादा होकर एंजाइटी के साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। सोच कर फूक फूक के कदम करने की ज़रूरत है और यदि बुद्धि सही शांत रखते हुए कार्य करोगे तो 2-3 दिन में अच्छा रास्ता आपको नया विचार कोई ना कोई प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि अपने एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य को अर्घ देकर दिन का आरंभ करें, गायत्री का यज्ञ करें, ये सब आपके मन को भी शांत करेगा, नई प्रेरणा भी आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं इन दिनों। विशेष तौर पर एक बात और ध्यान रखें, क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए। अभी आपकी राशि में इस प्रकार का योग बन रहा है कि क्षौर कर्म कराने से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है और पंचमी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा।
23 तारीख की हम बात करें तो सोमवार का अवसर षष्ठी तिथि और इस दिन कन्या राशि में बुध महाराज प्रवेश करेंगे। आपके पंच तृतीय भाव से निकलकर पराक्रम भाव से निकलकर सुख भाव में बुध स्वग्रही होकर उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे केतु के साथ। ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। बस समस्या केवल एक ही है कि बुध अस्त अवस्था में है तो थोड़ी बुध को ताकत देने की ज़रूरत है। जितनी बुध को ताकत देंगे उतना बढ़िया आने वाले 20 दिनों में आपके लिए बुध काम करते दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो मिथुन राशि वालों की स्थिति कई बार टमाडोल होती है, हाँ ना की स्थिति होती है, उसको ठीक करने के लिए बुध का उपाय करना ज़रूरी है। हरी चीज़ों का दान, बुध का नित्य प्रति मंत्र जप करना और वाणी का संयम रखना। मुख से कोई अपशब्द ना निकले इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। बहनों की सेवा करें, हो सके तो कन्या पूजन अवश्य करने का प्रयास कीजिए। श्राद्ध चल रहे हैं, गरीब कन्याओं को भोजन कराने का प्रयास कीजिए। ये बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। अवश्य स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 24 तारीख की बात करें, मंगलवार सप्तमी तिथि है और मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा करीब करीब 10 बजे के आसपास। और ये आपके लिए विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो एक नया अदम्य उत्साह का वर्धन करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। नए विचार, आपकी शक्ति भी अच्छी होती दिखाई दे रही है तो अच्छे से चीज़ों को करने की हिम्मत जागती दिखाई दे रही है। 2-3 दिन अच्छे से आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें हनुमान जी का स्तवन अवश्य करें। मंगल महाराज इंद्रों लग्न में चल रहे हैं, जितना हनुमान जी का ध्यान करोगे उतना बढ़िया आपके लिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि शनि भी कंट्रोल होंगे उससे। शनि महाराज भाग्य में बैठकर इस वक्त थोड़े वक्री अवस्था में है तो भाग्य में जितना लाभ देना चाहिए वो थोड़ी कमी स्थिति दिखाई दे रही। आगे बढ़ने की बजाय थोड़े पीछे की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही क्योंकि वक्री ग्रह बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। तो ऐसे में सबसे श्रेष्ठ है हनुमान जी का सहारा लीजिए। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का स्तवन करना सबसे अच्छा रहेगा। सप्तमी का श्राद्ध शुद्ध रूप से इस दिन विद्यमान है, रात्रि तक रहेगी तो मध्याह्न काल में अवश्य अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराते हुए, तर्पण करते हुए, गायत्री का यज्ञ करते हुए अवश्य उनको कराने का प्रयास कीजिए। यदि कोई यहाँ पर हम एक बात बता देना चाहते हैं, श्राद्ध कर्म हमें अभी बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यदि किसी कार्य से नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो घर में होना चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं तो विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था हमने यज्ञ इत्यादि की, तर्पण इत्यादि करी हुई है। आप अपने पितरों के निमित्त बहुत सारी आजकल विदेशों में भी स्थिति होती है, नहीं कर पाते हैं लोग, तो अपने नाम गोत्र को आश्रम पर बताकर आप उनके निमित्त यज्ञ इत्यादि, तर्पण इत्यादि की व्यवस्था कर लाभ ले सकते हैं पितरों के निमित्त जो तर्पण किया जाए। शास्त्र में वर्णित है कि किसी भी का भी तर्पण कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि खुद ही करें। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है नहीं कर पाते हैं तो आप शुद्ध रूप से कहीं भी उनको कराने का प्रयास करें, करें ज़रूर, इस बात का ध्यान रखें। 25 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि, अष्टमी का श्राद्ध शुद्ध रूप से विद्यमान है। मध्याह्न काल में श्रद्धा के साथ अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर गायत्री यज्ञ करके शुद्ध गऊग्रास निकालकर उनके तर्पण करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें दिन आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। नव शक्ति का संचार होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए विशेष तौर पर एक बात खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी राशि के अनुसार से जो इस वक्त योग बने हुए हैं थोड़े खर्चे अननेसेसरी के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़ा खर्चों को कंट्रोल और थोड़े दुश्मनों का ध्यान रखते हुए कार्य करें। अननेसेसरी आपके क्रियाकलापों से कहीं दुश्मन अननेसेसरी आपसे ईर्ष्या ना पाल के बैठ जाएं तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। भगवान विशेष तौर पर कृष्ण का स्तवन नित्य प्रति करते रहें तो वो अच्छा रहेगा। भगवान कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस बात का मंत्र का जप करते हुए, नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए अवश्य गदाधर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनका स्तवन करना भी सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। 26 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से नवमी का श्राद्ध इस दिन करना शास्त्र के द्वारा प्रशस्त कहा गया है। कर्क राशि में चंद्रमा शाम के समय प्रवेश करेंगे और दिन में ग्रह नक्षत्र आपके लिए जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो सुंदर है और आने वाले समय में उसका परिवर्तन का लाभ आपको मिल सकता है। जिन भी बड़े लोगों का विशेष तौर पर आशीर्वाद लेकर काम, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर काम करना आपकी किस्मत को जगाने वाला रहेगा और ऐसे में विशेष तौर पर श्राद्ध चल ही रहे हैं तो अपने जो पूर्वज हैं उनको निमित्त भी हमें कार्य करना चाहिए। नवमी का श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इस दिन एक और विशेष श्राद्ध करने का शास्त्र में नियम है, सौभाग्यवती स्त्रियों का जो श्राद्ध किया जाता है। कोई परिवार में ऐसे व्यक्ति हों जो सौभाग्य योग में चले गए, सौभाग्यवती थीं और पति के रहते रहते उनका स्वर्गवास हो गया, तो ऐसे में उन स्त्रियों के निमित्त भी श्राद्ध करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। इस तिथि में उन सबका के निमित्त वो जो भी दान पुण्य कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, वो अवश्य उनके निमित्त किया जाना चाहिए और उससे परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी के श्राद्ध करने के लिए बाध्य हो सकता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप केवल बड़ा भाई ही कर सकता है, कोई भी व्यक्ति
हमारे यहाँ तो किसी के भी शादी गया था, हम जब तर्पण करते हैं तो उसके अंदर ऋषियों का भी तर्पण करते हैं, भीष्म का भी तर्पण करते हैं, समस्त लोगों का तर्पण करने की बात है, अपने इष्ट मित्रों का भी तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर्म कोई भी कर सकता है। इससे कहीं ना कहीं प्रसन्नता ही प्राप्त होगी। और आप कई बार क्या होता है कि परिवार में कोई ऐसे लोग हो जाते हैं कि जिनके कोई याद ही नहीं रखता है, तो विस्मित हो जाते हैं, भूल जाते हैं, और बेचारे को कोई शादी नहीं कर पाता है, वो अपेक्षा रखते हैं। तो आपको जिनका भी याद आ जाए उनके निमित्त अवश्य इन तिथियों में कुछ जो भी दान पुण्य कर सकते हैं, विचार भी कर लेंगे, तो उससे आपके पुण्य ही जागेंगे, कहीं कोई भार नहीं होगा। इस बात से डरना नहीं चाहिए कि आपके पितृ कोई उनका है, हम नहीं, हम कैसे करते हैं, नहीं, अरे कोई भी किसी का कर सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं मन भी शांत होता है और विचार भी। आपके स्वप्न में कोई दिखाई दिया, दिवंगत आत्मा कोई स्वप्न में दिखाई दी, तो कहीं ना कहीं उसका एक कारण भी है, तो वो अपेक्षा कर रहा होगा कोई ना कोई, इसी कारण से स्वप्न भी ऐसे नहीं आता है। वो अग्निमय शरीर, वायुमय शरीर में व्यक्ति जो दिव्य आत्मा घूम रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ अपेक्षा कर रही है, तभी आपके स्वप्न में आकर कई बार दर्शन देती हैं। तो इस बातों को हमें ध्यान रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। हमने बहुत बार देखा है इस प्रकार के ऐसे योग बनते हैं, और जब कुछ कार्य किए जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपके कष्ट भी दूर होने के योग बन जाते हैं। 27 तारीख की हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार है और दशमी तिथि का श्राद्ध उस दिन प्रशस्त रहेगा। दशमी के दिन का दिवंगत हुआ शरीर, उनके निमित्त अवश्य जो कार्य करना चाहिए वो श्रेष्ठ रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपका योग बन रहा है लाभ का, धन आगमन का। कहीं ना कहीं चंद्रमा सुंदर रूप से द्वितीय भाव में विराजमान है और ये आपके कार्यों में सफलता देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेते हुए यदि कार्य किए जाएँ, दूध इत्यादि का दान किया जाए, शिव का अभिषेक किया जाए दूध के द्वारा, दूध का दान करना, खीर का दान करना, और चांदी के वस्त्रों का उपयोग करते हुए, चांदी के बर्तनों का उपयोग करते हुए भगवान शंकर का उसे अभिषेक किया जाए, तो बहुत सुंदर आपके लिए रास्ते बनेंगे। गौ पूजन करना भी सब प्रकार से कल्याणकारी रहेगा। 28 तारीख शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि का योग बन रहा है और ये एकादशी शनिवार युक्त है। पिछली दो एकादशियां जो हैं वो शनिवार को ही पड़ रही हैं और बहुत सुंदर योग बना रही हैं। शनि महाराज देखिए आपके भाग्य में वक्री होकर चल रहे हैं, और शनि का वक्री होना भाग्य में बैठ कर ये कहीं शुभ नहीं होता है। और शनिवार के दिन एकादशी, और समझें आपने पुराना एक उपाय बहुत सालों से करते आए होंगे कि पीपल के पेड़ पर तिल का थोड़ा सा जल डाल दिया, तिल वाला जल। पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु स्वरूप है और उस पर तिल डाले जाते हैं जल में मिलाकर, वो भी भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। तो आप समझें कि जो शनि का संबंध कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के साथ है, तिल के साथ है, तो अवश्य इस दिन उपाय करें, तिल के निमित्त थोड़ा जल में तिल डालकर भगवान विष्णु का उससे अभिषेक करें और चरणामृत को ग्रहण करें, तिल का थोड़ा हवन कर लीजिए, उससे शनि जो है वो नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं वो ठीक होंगे, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा दीजिए। ये सब उपाय करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि शनि वक्री अभी 15 नवंबर तक चल रहे हैं और भाग्य में लुपलुपा रहे हैं। कहीं अच्छी स्थिति चलते चलते कहीं ना कहीं जो बैक कहीं ना कहीं हो रहा है वो समझ लीजिए शनि के प्रभाव के कारण से। एकादशी का श्राद्ध है तो एकादशी के श्राद्ध के दिन एक शंका बहुत सारी रहती है लोगों की कि बहुत सारे ब्राह्मण जो होते हैं एकादशी में व्रत होते हैं और वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो लोग कहते हैं कि कैसे, हमारा तो श्राद्ध हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं है, आप श्राद्ध के निमित्त उनको कच्चा अन्न दे दीजिए, गाय को पूरी प्लेट खाना बनाकर खिलाइए गौशाला के अंदर, ये भी श्राद्ध के लिए सुंदर तरीका है, इसमें कोई भेद नहीं है। यदि कोई नहीं मिल रहा है तो आप गऊ को भी ग्रास निकाल कर दे देंगे तो वो भी आपका पूर्ण रूप से शुद्ध माना जाएगा। भिक्षुक को भोजन कराना, श्वान को भोजन कराना, काक के निमित्त बलि भोजन निकाल देना, चींटियों के निमित्त भोजन निकालना, ये शास्त्र में पंचबलि जो कही गई है उनको अवश्य करना चाहिए श्राद्ध करते हुए, इसका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। 29 तारीख के दिन बात करें तो द्वादशी तिथि है, सिंह में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं और ये आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए सुंदर पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला योग दिखाई देता है। समय आपका पूरी तरह से साथ देता दिखाई दे रहा है, इस समय को सदुपयोग करने का हमको प्रयास करना चाहिए। परंतु ग्रह ऐसे भी दिखा रहे हैं कि बहुत सारे फालतू के काम आपके जीवन में आपको परेशान करने के लिए, बहुत सारे समय को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे लोग आपके जीवन में उपस्थित हो सकते हैं, तो समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। समय आपको लाभ भाग्य से बहुत सुंदर तरह से लाभ देने के योग बना रहा है, तो ऐसे में भगवान सूर्य का स्तवन करते हुए उनको जल देते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 30 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और आपके राशि के अनुसार से इस दिन ऐसा योग बना हुआ है कि शिव की आराधना से आपकी किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। शनि का नेगेटिव प्रभाव कम हो सकता है, चंद्रमा और शनि एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने विराजमान है और ऐसे में शनि अस्त शनि चल रहे हैं वक्री, तो उसको ठीक करने के लिए अवश्य इस दिन का उपयोग करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि सोम प्रदोष योग बना हुआ है, सोमवार है, प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है, तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान करना आपके लिए सुंदर रूप से लाभदायक योग बनाएगा। सोम प्रदोष, शनि महाराज वक्री अभी चल रहे हैं करीब करीब 1.5 महीना, तो ऐसे में इस दिन का उपयोग करिए। सोम प्रदोष बड़ी किस्मत से पड़ा है, शाम के समय कहा जाता है कि भगवान शंकर
पार्वती जी के साथ सोम प्रदोष के दिन संसार का भ्रमण करते हैं और जो उनका अभिषेक करते हैं, तो ऐसे में तिल के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, दूध में थोड़ा तिल डालकर एक मंत्र हम बता रहे हैं जो रुद्र अष्टाध्याय के अंदर आया है, शन्नो देवी रविष्ट्रया पो भवन्तु पीताय शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, या रुद्र अष्टाध्याय के द्वारा इन सब से भगवान का अभिषेक करना संपूर्ण रूप से मनोरथ को सिद्ध करने वाला रहेगा, नेगेटिव प्रभाव को खत्म करने वाला रहेगा। श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध को अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी हम उस पर विवेचना आप करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, बहुत सारी भ्रांतियाँ श्राद्ध के संबंध में, उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। कई लोग तो ऐसे हो गए हैं कि हमारे समाज के अंदर कि जो समाज की रीतियों को बिल्कुल उल्टा कर देते हैं और बहुत सारी भ्रांतियाँ उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं है, जिसने जिस प्रकार से देखा उसने प्रकार समझा। शास्त्र प्रमाणित है, शास्त्र कपोल कल्पित बातें नहीं करते हैं और पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर रिसर्च हुई है। और भारतीय संस्कृति के जो श्राद्ध इत्यादि कर्म है, थियोसोफिकल सोसाइटी जो लंदन है, थियोसोफिकल सोसाइटी विभिन्न रूप से मिस्टर एनी बेसेंट के साथ, डब्ल्यू लेट वीटर के साथ, इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करके इतनी किताबें लिखी उन लोगों ने, विदेशी लोगों ने इतनी बढ़िया बढ़िया किताबें लिखी हैं, जिसको इनविजिबल हेल्पर के रूप में यदि आप पढ़ें, अदृश्य सहायक जिसका नाम है, सोचिए ऐसे ऐसे आख्यान उसमें उपस्थित किए गए हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों की बात तो बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं, लेकिन जो एनी बेसेंट इत्यादि, डब्ल्यू लेट वीटर इत्यादि ने जो अपने शोध के विषय वहाँ उपस्थित किए हैं, उसको पढ़कर आपको आश्चर्य होगा। और बहुत सारे लोग समय समय पर हमारी संस्कृति के ऊपर आक्षेपित करने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मणों ने कोई गलत नहीं किया, इस बात को हमें समझना चाहिए। विद्वानों ने इस संसार में कल्याण के लिए ही शास्त्र निर्माण किए हैं और उस शास्त्र को समझना चाहिए और शास्त्र विधि के अनुसार से जो कार्य करेंगे उनके जीवन में हमेशा सुख ही रहेगा। तो जैसा भी आपने सुना पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपकी राशियों में किस प्रकार का युगायुग बनता दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ हमने आपको विशेष तौर पर बताया श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध भारतीय संस्कृति का एक ऐसा विषय है जिसको कहा जाता है श्रद्धा का समर्पण। श्राद्ध का नाम ही श्रद्धा के समर्पण से बना है और भारतीय सनातन संस्कृति का एक ऐसा अद्भुत विभाग है कि जिसको हम समझ लेते हैं कि मृत्यु एक जीवन का अंत है। देखिए, मृत्यु एक जीवन का चक्र है, जन्म मृत्यु। इस संसार में न तो जन्म का चक्र कभी समाप्त होता है, ना मृत्यु का चक्र कभी समाप्त होता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम शास्त्र में कहा गया है और आदि शंकराचार्य जी ने इसको प्रतिपादित भी किया है कि हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये जो हम सोच के आते हैं कि एक बीज को डाला उसके बाद समाप्त हो गया बीज, उसके बाद जीवन की लीला समाप्त, उसके बाद कुछ नहीं, मृत्यु के बाद भी आगे बहुत कुछ है, पुनरपि जन्म, ये बात सिद्धांतिक तौर पर सत्य के रूप में शास्त्र में प्रतिपादित की गई है। श्राद्ध उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है, ज्योतिष उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग वास्तविक तौर पर भारतीय संस्कृति का एक वैज्ञानिक स्वरूप है ज्योतिष। ज्योतिष के अंदर हम जब दशाओं को निकालते हैं, गतरक्ष सर्वक्ष इत्यादि नक्षत्र की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके अंदर भुक्त भोग्य की व्यवस्था आती है कि कितनी दशा, कौन सी दशा नक्षत्र के किस अंश पर आपका जन्म हुआ है, किस वेला में आपका जन्म हुआ है, उसके अनुसार से उस नक्षत्र के अनुसार से कौन सी दशा में आपका जन्म हुआ, कितना भुक्त हो चुका था, कितना भोग्य बाकी है। यानी हम जब आप अपनी वंशोत्तरी दशा को देखेंगे अपनी जन्मपत्री के अंदर, तो वहाँ लिखा होता है जैसे किसी की दशा में कौन सी दशा में जन्म हुआ, तो कितना आप पूर्व जन्म में भोग चुके हैं और उसकी बैलेंस दशा जो है वो इस जन्म में आपको भोगने को मिलने वाली है। तो उसके हिसाब से पूरा यानी गतरक्ष सर्वक्ष निकाल कर आप सही प्रति समझ सकते हैं कि ये जीवन बार बार प्राप्त होने वाला है। तो उसी प्रकार से और पुनर्जन्म जो है वो इतनी जल्दी होता नहीं है, हमारे शास्त्र में कहा गया है। बहुत सारे लोग भ्रांति के रूप में इस कथाओं को सुना देते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हुई, जीवन समाप्त हुआ और कुछ ही दिनों में उसका पुनर्जन्म प्राप्त हो गया, लेकिन शास्त्र प्रतिपादित करता है कि हर व्यक्ति को अपने, देखो एक वर्ष तक तो आपको प्रेत योनि में ही रहना है जीवन समाप्त होने के बाद, जब तक आपकी उन्मासिक श्राद्ध पूरे नहीं हो जाएंगे, यानी एक वर्ष तक, एक वर्ष के बाद ही व्यक्ति प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में जाता है, तो उस एक वर्ष के अंदर तो प्रेत योनि होनी है, तो इतनी जल्दी पुनर्जन्म होना ही नहीं है। तो इस बात को हम समझें कि श्राद्ध किनको करना है किनको नहीं करना, ये तो भेद हो ही नहीं सकता, क्या स्त्री क्या पुरुष क्या छोटा क्या बड़ा, हर कोई अपने दिवंगत आत्माओं की आत्मशांति के लिए श्राद्ध कर सकता है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो वे देवताओं का श्राद्ध करते हैं, ऋषियों का श्राद्ध करते हैं, सप्त ऋषियों का श्राद्ध के साथ साथ हम ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि समस्त ऋषिगण का भी श्राद्ध करते हैं, अवतर्पण इत्यादि करते हैं ना साथ में। तो इस बात को समझे, कोई भी किसी के निमित्त श्राद्ध कर सकता है, तो श्राद्ध इत्यादि श्रद्धा का समर्पण तो कहीं भी किया जा सकता है ना। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बड़े भाई कर लेंगे छोटे भाई नहीं करेंगे, भाई कर लेंगे स्त्रियाँ बहनें नहीं कर सकती, अरे कोई भी कर सकता है,
राम की, जब भगवान रामायण के अंदर इस कथा को बड़ी सुंदर तरीके से कहा गया है कि भगवान राम जब गया पहुंचे और उन्होंने वो श्राद्ध कर्म करने के लिए लक्ष्मण जी को हाट भेजा, दुकान में भेजा कि सामान लेके आओ, कि व्यवस्था करो, श्राद्ध करना है, और जब वो ले नहीं पहुंच पाए समय से तो भगवान राम स्वयं लक्ष्मण जी को देखने गए, तब तक श्राद्ध का मुहूर्त ना निकल जाए भगवती ने स्वयं वो श्राद्ध कर्म पितरों के निमित्त किया। तो जब सीता जी कर सकती हैं श्राद्ध स्त्री होते हुए, तो आप ये किस बात भ्रांति में बसे हुए हैं कि नहीं केवल पुरुष ही श्राद्ध कर सकते, शास्त्र भारतीय संस्कृति स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं मानता है। ये बात हमको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने इनको अनेक अनेक प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया, वो मति भ्रम हो सकता है, व्यक्तियों के ज्ञान के ऊपर समस्या हो सकता है, लेकिन जो मैं कथा में आपके समक्ष उपस्थित कर रहा था कि भगवान राम की अनुपस्थिति में भगवती सीता ने स्वयं पितृत्यादि यानी दशरथ इत्यादि जी का श्राद्ध करने के लिए गया में सुंदर व्यवस्था बनाई। तो आप भी कोई चिंता ना करें इस बात को, विशेष तौर पर हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। कई लोग ऐसा कह देते हैं गया का नाम आया है तो हम गया में जाके पिंड छुड़ाए आए, उसके बाद आगे करने की आवश्यकता नहीं है। अरे वहाँ के महात्म्य वर्णित है कि इतने सुंदर स्थल है कि यहाँ पर पितर को मोक्ष प्राप्त करने का सुंदर रास्ता बन जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये तो आपका श्रद्धा का समर्पण है, जब तक आप हैं तब तक अवश्य अपने पितरों के निमित्त तीन पीढ़ी तक पिता पितामह परपितामह यानी तीन पीढ़ी तक अवश्य हमको अपने समस्त लोगों का श्राद्ध करने की कार्य करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। मध्यान्ह काल शास्त्र के लिए सबसे श्रेष्ठ है, यानी जिस तिथि को मध्यान्ह काल में हो, उस तिथि जो मध्यान्ह काल में जो व्यापनी हो स्थिति, उसी में उस दिवंगत आत्मा जो गए हैं उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि आपको ज्ञात है कि किस समय उनका गंतव्य हुआ, उस समय प्रत्यक्ष रूप से कौन सी तिथि विद्यमान थी, उस तिथि में चाहे कृष्ण पक्ष है चाहे शुक्ल पक्ष है, तो इन श्राद्ध अश्विन के श्राद्ध के समय में पितृपक्ष के दौरान उनका अवश्य तर्पण, और श्राद्ध में क्या क्या करना चाहिए, वैसे तो विधान बहुत लंबा चौड़ा है, जितना आप कर सकते हैं गायत्री जप अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें, पिंडदान अवश्य करने का प्रयास करें, तर्पण इत्यादि के साथ साथ गायत्री का जप कर सकते हैं, गायत्री का यज्ञ कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, गऊ के ग्रास निकाल सकते हैं, चींटी भुक्षुक कौआ काग इत्यादि के लिए अवश्य कुछ भोज्य पदार्थ, श्वान के लिए भोज्य पदार्थ अवश्य निकालने का, ये बलि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में विधात वर्णित है, तो अवश्य हमें सबको जितना हो सके, कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गऊ के निमित्त एक प्लेट में खाना लगाया, भोजन किया, उनका तर्पण करते हुए साथ साथ उनको समर्पित करने का प्रयास करें, और कोशिश ये करें अवश्य श्राद्ध के साथ। नहीं व्यवस्था हो पा रही तो कोई चिंता नहीं, आप दो केले भी दान कर देंगे तो भी आपके पितर आपको आशीर्वाद। बहुत सारे लोग पितृ दोष से समस्या उत्पन्न कर लेते हैं कि पितृ दोष हो गया कुंडली में, पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण हो सकता है। आप अपना कर्म नहीं करोगे तो पितृ ऋण के रूप में आपके जीवन में वो भार चढ़ता चला जाएगा, ब्याज दर ब्याज के रूप में आपके जीवन में वो ब्याज दर ब्याज वो ऋण चक्रवर्ती ब्याज की तरह परेशान कर सकता है। लेकिन पितृ आपसे रुष्ट हो, ये बड़ी विचित्र बात लगती है कि पितृ रुष्ट हो गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं पितृ रुष्ट, अरे माता पिता किसी से कभी रुष्ट हो सकते हैं क्या? ये सोचें कैसी विडंबना हमने डाल दी कि पितृ लोग कह देते हैं, ज्योतिषी धर्मपत्री दिखाने के बस गए और उसने भ्रांति मन में उत्पन्न कर दी कि आपके तो पितृ रुष्ट हैं। अरे पिता माता पिता किसी से रुष्ट नहीं होते, आप उनका उपहास भी कर दो तब भी वो तो, लेकिन दोष है वो इस प्रकार का दोष है कि वो आपको प्रकृति माफ़ नहीं करती। आपको पितृ आपके रुष्ट होना हो, लेकिन प्रकृति आपको उस जो आपने गलत कर्तव्य किया है वो ऋण वो भार आपके ऊपर अवश्य चढ़ जाएगा, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात प्रकृति के दत्त है। तो आप कि आप एक बात ऐसे समझे कि कोई पिता किसी व्यक्ति ने बालक ने पिता का उपहास भी कर दिया, शायद पिता उनको माफ़ कर देंगे, लेकिन वो प्रकृति जो है वो कर्म का सिद्धांत जो है वो आपके ऊपर भार के रूप में विद्यमान हो जाएगा, उससे हमें समझना चाहिए। एक छोटा बच्चा यदि पिता के ऊपर खेल रहा हो, पिताजी के ऊपर कुछ विष्ठाभीत कर देगा तो क्या पिता रुष्ट हो जाते हैं? माता पिता तो रुष्ट बिल्कुल होते ही नहीं कभी, जब प्रत्यक्ष नहीं हुए तो अप्रत्यक्ष रूप में जाकर हाँ दुखी जरूर होते हैं। घर में उत्सव चल रहा है, आपने गाना बाना सब कुछ किया, सब कुछ करा, लेकिन अपने पितरों के निमित्त कुछ एक थाली निकाली ही नहीं, उनको याद ही नहीं किया। अरे जिनके बिना हम जी नहीं पाते थे, जिनके बिना हम चल नहीं पाते थे, उनको इतनी विस्मृति हमने भुला दी कि हम उनको भूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति परंपरा है कि सबसे पहली थाली उनको उनके पितर के निमित्त निकाल कर मिंस कर और किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया, इतना ही तो करना है खाली, और कुछ नहीं तो जल दे दीजिए भाई। हर नित्यपति तर्पण यही नहीं श्राद्ध के अवश्य करें, पितृ निमित्तिक श्राद्ध बोला गया है। निमित्तिक श्राद्ध शास्त्र में 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन आता है,
और जो पावन निषाद इस वक्त हम पर्व में कर रहे हैं, पक्ष में कर रहे हैं, पावन निषाद के अंतर्गत आता है। और पावन निषाद के साथ साथ और ये समझे कि हम सब सब नैमित्तिक श्राद्ध भी तो करते हैं, नित्य प्रति श्राद्ध करना चाहिए, नित्य प्रति तर्पण करना चाहिए, नित्य प्रति जल देना चाहिए। जैसे सूर्य को जल देते हैं उसी प्रकार से अपने पितरों का ध्यान करते हुए इस ये देवतीर्थ है, आगे वाली उंगलियाँ ये पितृतीर्थ है, अंगूठे और पहली उंगली के बीच का जो तीर्थ है, यहाँ एक लोटा जल लेकर तर्पयन्ताम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा, यदि स्त्री है तस्यै सुधा और पुरुष है तो तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ये दो देवियों का प्रादुर्भाव किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। स्वाहा नाम की देवी यज्ञ की आहुति देवता तक पहुंचाती हैं और सुधा नाम की देवी आपके द्वारा अर्पित किया गया जो जल इत्यादि है, भोज्य पदार्थ इत्यादि है, वो आपके पितरों के तक पहुँचाती हैं। तो इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम के में एक विशेष व्यवस्था करी है कि इन पितृपक्ष के दौरान में यदि आप घर में किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, पूर्ण विधि नहीं हो पा रही है, गायत्री यज्ञ नहीं हो पा रहा है, तो हम आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में पूर्ण व्यवस्था है, पूरा दिन यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहती है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ, तर्पण, ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त प्रकार से करने की व्यवस्था रहेगी। आप अपने यदि किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो विवेकानंद योगाश्रम से पूर्ण संपर्क साध कर आप अपने समस्त पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, गायत्री यज्ञ इत्यादि की सुंदर व्यवस्था, गौ ग्रास की सुंदर व्यवस्था करने के लिए सुंदर आश्रम संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में गौशाला भी है, सब कुछ व्यवस्था पूर्ण विधि के साथ की जाएगी। तो आप सब इन सब श्राद्धों में ऐसा ना करें कि हम सब लोग केवल ये परिपाटी भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो क्या नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, नए वस्त्र नहीं खरीदेंगे, नया कुछ और समस्याओं कर देते, इतना करके बस छोड़ देते हैं। अरे ये सब तो बहुत भौतिक चीज़ें हैं। मुझे बताइए, आपके नए वस्त्र खरीदने से आपके पितर रुष्ट होंगे या आप प्रसन्न होंगे? आपके पिता माता पिता आपकी तरक्की को देखकर, आपकी नई गाड़ी को देखकर अरे प्रसन्न ही होंगे भाई। ये कहाँ से व्यवस्था चल गई कि केवल गाड़ी नहीं खरीदना, चाँद चल रहे हैं गाड़ी नहीं खरीदेंगे, और फिर नई जनरेशन आती है उनको आप समझा नहीं पाते हैं। तो समझे, ये शास्त्र ये चीज़ नहीं है। वासना युक्त जीवन, हमको ये बात ध्यान रखनी है कि वासना युक्त जीवन में नहीं, संयमित जीवन जीते हुए उनको भी याद, उनका श्रद्धा का समर्पण करते हुए हम अपनी सुंदर, आपके सुंदर सौंदर्य जीवन से, आपके आगे बढ़ते हुए जीवन को देखकर आपके पितृ कतई आपसे प्रसन्न नहीं, अप्रसन्न नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। इन सब भ्रांतियों को हटाने का प्रयास करें। आप नए वस्त्र घर में लाएंगे तो अपने पिता के निमित्त भी कुछ लेके आइए ना। हमारे एक मिलने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने स्वयं आके कहा कि वो जब चले गए तो पंडित जी के लिए कपड़े लाने थे, उनको तर्पण उनकी श्राद्ध कर्म के दिन, तो वो जो स्त्री थी थोड़े हल्की क्वालिटी के कपड़े ले आई। जब वो पंडित जी को दे रही थी तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो दिवंगत आत्मा ने आकर स्वयं बोला, क्या मैं इतना पैसा समृद्धि छोड़ के गया था, क्या मेरे निमित्त तुम अच्छे वस्त्र भी दान नहीं कर सकते? एक ऐसी ही कथा रामायण में मिलती है। कहा जाता है कि भगवान राम जब अपने पिता के श्राद्ध करते हुए ब्राह्मण भोजन करा रहे थे तो भगवती को उन्होंने बाहर बुलाया, वनवास की स्थिति थी, भगवती नहीं आई बाहर। तो भगवान राम ने ब्राह्मण जी को भोजन कराने के बाद उसके बाद उनसे पूछा भगवती से कि आपको बुलाया, आप आई नहीं। बोले जब आप भोजन करा रहे थे तो मैं साक्षात देख रही थी कि यहाँ पर स्वयं हमारे पितृ उसी रूप में विद्यमान हैं और उनको भोजन करा रहे हैं आप, तो मैं उनको इस अपनी सन्यासी अवस्था में बाहर आकर, सन्यासी वलकल वस्त्र धारण करे हुए इस अवस्था में आकर उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। तो सोचे, ये साक्षात इतनी सुंदर कथा शास्त्र में वर्णित है कि हम जो ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं वो साक्षात वही है कि पितृ हमारे घर आकर उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये है श्रद्धा का समर्पण। आप ये सोच के बैठे ब्राह्मण भोजन करा रहे, टाइम बार बार देखे जा रहे हैं, कब जाएंगे पंडित जी, कब कितना खाएंगे, कितनी रोटी खाएंगे, ये स्थिति मन में ना रखें। श्रद्धा का समर्पण पूर्ण श्रद्धा के साथ सोचें। आपकी जब पितृ ऋण चढ़ता है ना, जब नहीं आप निवृत्त होते हैं तो कितना भार जीवन में, चलते चलते व्यवसाय में कष्ट, कुछ ना कुछ चलते हुए गलती हुई गाड़ी रुक जाती है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती, समझ में ना आ रहा हो तो कहीं ना कहीं सोचना, क्या आपने पितृ ऋण से निवृत्ति का मार्ग सोचा है? ये श्राद्ध जो है, ये वर्ष में जो 16 दिन का दिन आते हैं, ये इसीलिए है कि अपने पितरों को याद रखो। वैसे तो नित्य प्रति करना चाहिए। तो आप इस विज्ञान को, इस अध्याय को सही रूप से समझने का प्रयास करें। हमारा इस चैनल के माध्यम से इन सब विज्ञान को आपके समक्ष उपस्थित करने का ही एक प्रयास है। और विवेकानंद योग आश्रम इन समस्त कर्मों में आपके साथ रहता है। अभी आने वाले दिनों में बड़े विशेष तौर पर नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्रों में भी बहुत विशाल यज्ञ माँ भगवती के सानिध्य में वहाँ रहेगा, उसमें भी आप जुड़िएगा। धन्यवाद, नमस्कार।